समीर hey and आई teach you इंग्लिश ऑन दिस platform. अब हमें जो पता है कि आप लोगों ने पेपर दे दिए होंगे काफी हद तक मॉक पेपर की बात हो रही है रियल पेपर की नहीं घबराओ मत ये वीडियो कुछ फ्यूचर का तुम्हारे पास अभी नहीं आ गया है तो अब हम थोड़े से ना मुद्दे की बात कर लेते हैं कि इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं पहली चीज अब आपको ऑल इंडिया रैंक के सपने देख रहे हो नहीं देख रहे हो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारे इस क्लास में जो जो ये बच्चा वीडियो अभी देख रहा है वो अभी भी होप नहीं हारा है चाहे मॉक में स्कोर कम आ रहे हैं चाहे नींदें कम हो गई हैं चाहे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस हो रहे हैं शायद घर वालों ने तुम पर गिवप कर दिया होगा शायद मैंने अभी तक गिवअप नहीं किया है तो मैं आज फिर एक वीडियो तुम्हारे लिए ले लेके आ रहा हूँ कि तुम्हें हेल्प कर सकता है एक ऑल इंडिया रैंक लाने में देखो बच्चे आई नो वी आर जस्ट लेफ्ट विद वेरी मिनिमल डेज जिस भी डेज में तुम्हें तो ये वीडियो दिख रहा है तभी मैं एक एक्सपायर डे नहीं बताऊंगा बट हमें एक चीज़ का बहुत गौर से ध्यान देना है कि ये जो इंग्लिश का टॉपिक है या फिर ये जो ओवरऑल जो आपके सारे के सारे पाछों के टॉपिक्स हैं ये एक स्ट्रैटेजी में ही आपको सॉल्व करने हैं तभी नंबर आएंगे जैसे बच्चे अगर मैं तुमसे सीढ़ियाँ चढ़ने की अगर एक एग्जाम्पल की बात करूँ हम लोग दो दो स्टेप लेके शॉर्टकट्स लेके जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं बट उसमें काफ़ी हद तक कुछ रिस्क भी होता है कि आप गिर जाओगे तो आपका जबड़ा टूट सकता है आप पीछे के बल भी जाके गिर सकते हो बैक चली जाएगी इस उम्र में टूट फूट फ्रैक्चर व्रैक्चर हो जाए वो वो आम बात है ऐसे ही सिमिलरली जब आप इस स्ट्रैटेजिकली इस पेपर को सॉल्व कर रहे होगे तो आपका जो ब्रेन होता है समझ लो दो घंटे के लिए फुल कॉन्स्टेंट स्ट्रेन में रहने वाला है हम मुझे पता है कि बाहर बहुत सारी चीज़ें ऐसी अफवाहें भी आ रही होती है फिर मैं अफवाहें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे देखो मैंने भी पेपर दिए हुए तो मुझे ना एक चीज़ पता होती है जब हम लोग पेपर में बैठते हैं दो घंटे के लिए आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है अभी जो ऑक्यूपेंसी होती है ना जैसे आप समझ लो कि आपको खाना वाना आपको नहीं मिलने वाला पानी मिलेगा कंसंट्रेशन फुल टू आपका पेपर में रहने वाला है यू हैव टू मेक सर्टेन डिसीजन फॉर योर लाइफ देन यू हैव टू आल्सो इमेजिन यू आल्सो हैव टू यूज़ योर ब्रेन भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है बट इसमें बच्चा एक गलती क्या कर देता है ना वो कहता है कि हमें ना सेक्शंस को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके सॉल्व करना चाहिए जैसे पहला गलती हमारा बच्चा जो करता है जैसे पहले अगर लीगल या फिर जो भी आप एक कॉम्प्रेंशन बेस वाला पैसेज वाला सेक्शन लेते हो सेकंड सेक्शन वो कौन ले लेता है यही करके कि थोड़ा सा लाइट सेक्शन है हैवी के बाद थोड़ा सा लाइट कर लेना चाहिए ऐसा नहीं है बच्चे ये वही हाल होता है जो अगर कभी कोई गाड़ी या फिर कोई बाइक चलाता होगा तो अच्छे से पता है गाड़ी एकदम से झटका मार के जब चलाओगे ना इंजन खराब होने की बिल्कुल से आशंका होती है तो तुम्हारा ब्रेन का भी कंसनट्रेशन जो फोकस की हम लोग बात करते हैं खराब होने की पूरी पूरी आशंका है तो तुम्हें क्या करना है सबसे पहली चीज़ एक मैं तुम्हें बता देता हूँ एक चीज़ का ध्यान रखना ये तो मेरे बारे में तुम्हें दिया हुआ है दो आई हैव स्टडी फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंडन आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट माई कॉलेज और नॉट बट इट्स इट्स काइंड ऑफ वन ऑफ दी यूनिवर्सिटीज़ जो मैं जिसके लिए बहुत अपने आप को प्राउड मानता हूँ कि आई कुड हैव मेक इट टू दैट उसके अलावा मैंने बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रखा है मैंने नेशनली भी बाहर मतलब अगर देखा जाए तो मेरा जो प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं तो ज़्यादातर मैंने रूरल के बच्चे के और कॉलेज़ के बच्चों को पढ़ाया हुआ है तो तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मुझे पास बट ट्रस्ट मी थोड़े से डिफरेंट एनवायरमेंट से वो लोग आते हैं तो मैं थोड़ा सा स्लाइड को चेंज करूँगा एक सेकंड मुझे देना तो ये थोड़ा सा उससे बिफोर आई स्टार्ट क्लास लेट मी टेल यू अबाउट दी बैचेस यहाँ पे आपके सामने एक रैंक बूस्टर क्लैट और आई का 2023 का बैच होता है जिसमें आपके सामने ये एजुकेटर्स आपको दिख रहे हैं इट इज लाइक नो अगर आपको इसको करना है तो दे आर सर्टेन फैक्टर्स मतलब जो चीज बहुत सही आपके लिए यहाँ पे रहती है दैट इज एक सेकेंडना दैट इज कि यहाँ पे आपको एक जो फीचर्स मिल जाते हैं टीचर से बात करने के क्योंकि आई अंडरस्टैंड एज अ अटोर मुझे ना पता है कि स्टूडेंट जब तक हमसे कॉन्वर्जेशन नहीं मेक कर पाते वी कैन नॉट हेल्प दैम इंडिविजुअली ये वही हाल हो जाता है कि जैसे हमने प्लांट को ऑटो रन पे ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जब तक उसको तुम नर्चर नहीं करोगे हम सबकी एक नेचर होती है एंड यही मेंटर का एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि हमने बहुत नेचर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रखे होते हैं तो अगर कभी कबार तुम किसी टॉपिक में फंसे हुए हो ऑलवेज यूज़ दिस फीचर एंड बिलीव मी हम टीचर्स इतने हेल्पफुल होते हैं हमें मुझे नहीं पता कि आप लोग का कैसे एक्सपीरियंस आपके स्कूल के टीचर्स के साथ रहा हो मगर यहाँ पे हम एक एक टीचर की मैं आपको एश्योरेंस दे देता हूँ कि आपकी डाउट अगर आप कभी भी हमारे पास लेके आओगे खाली हाथ नहीं जाओगे ठीक है सेकेंड चीज़ हमारे पास यहाँ पे आपको सिक्स लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस टू वन प्लस मॉक टेस्ट और मिलने वाले हैं ये जो लाइव टेस्ट होते हैं ना बेटे ये बहुत सेलिब्रेटेड हमारे एग्जाम्स होते हैं हम लोग आईफोन भी देते हैं बहुत चीज़ें करते हैं रीजन बीइंग जस्ट टू रिवॉर्ड यू नॉट टू ल्योर यू हमें पता है बच्चे यार मतलब अट्रैक्ट हो जाते होंगे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके मगर जो पढ़ाई करता है वही उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों का हकदार होता है तो हम लोग अगर थर्ड आई से देखें हाँ ये तो बच्चों को बुलाया जा रहा है आईफोन और ये सब दिखा के नहीं बच्चे हम तुम्हें ना थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पुश कर रहे हैं और एकस्ट्री मेहनत कर रहे हैं जैसे बचपन में होता नहीं था मेरे थोड़ा मेरे पापा ये करते थे मुझे कहते थे तुझे मैं प्ले स्टेशन दिला दूँगा तो नाइनटी परसेंट नंबर लिया तो मैं क्या करता था मेरे अंदर ना मुझे वो प्ले स्टेशन लेने की बहुत ज्यादा उत्साह थी आई रियली वॉट इट आई रीली वॉन्ट टू हैव इट तो मैंने कोशिश पूरी की मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जब ये एक्स्ट्रा नोट्स बनाए थे एक्स्ट्रा फोकस रखा था और एक अपने सामने गोल सेट किया था ये मुझे चीज़ चाहिए वो उस गोल का ना मेरे पर्सनल डिजायर थे बट उस पर्सनल डिजायर के चक्कर में मेरे नंबर बढ़ गए थे मैंने ना पढ़ने के नए नए तरीके सीखे थे अनटेंशनली तो सिमिलरली वी ऑल्सो फॉलो द सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न तो थर्ड आई का ये मत सोचो कि हम बच्चों को बुला रहे हैं वी आर जस्ट हेल्पिंग यू आउट थ्री फिफ्टी प्लस सेक्शनल टेस्ट करते करते बुढ़ापा आ जाएगा आई आई थिंक सो क्योंकि तुम लोग जैसे स्लो स्पीड में करते हो तो तुम्हारा बुढ़ापा आ सकता है हम लोग के लिए तो ज़्यादा दिन का क्या नहीं है अगर आइडियली देखा जाए तो बारह महीने इनफ होते हैं तीन सौ पचास क्वेश्चन करने के लिए बट लेट्स सी गो फॉर्वर्ड अन अकेडमी का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मुझे लगता है वो लगता है जीके का मैगजीन जिसको हम लोग क्या कहते हैं कंपेंडियम तो अगर तुम मैगजीन्स को चाहते हो अरे जीके का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चे रो देते हैं क्यों क्योंकि भैया ये ना सीधा टिक एंड नॉन टिक वाला पेपर है सही हुआ गुड नहीं हुआ आंसू लेके चले जाओ ऑल इंडिया रैंक भी चली गई तो आई नो हम लोग इसी चीज़ों को देख के यहाँ पे जो रिसर्च वाला तुम्हारे पास जीके का ये चीज़ आती है ये उसी बेसिस पे आती है सेकेंड अभी को तो ये तो ऑफर चल रहा है अगर तुम अभी देख रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली सेव अ लॉट ऑफ मनी अगर तुम एक एक मंथ का प्लस का सब्सक्रिप्शन वैसे अभी तक तो था नहीं बट अगर तुम जो मैं बता रहा हूँ इंडिया रैंक तुम लेके आना चाहते हो तो पाँच हज़ार रुपये अपनी पते अपनी जेब से निकाल लो ठीक है जो कि चीज़ दस हज़ार की होती थी अब तुम्हें पाँच हज़ार में ऑलमोस्ट मिल रही है अगर इसके ऊपर भी तुम अगर मेरा कोड लगा दोगे दैट इज सैम यू विल गेट एडिशनल टेन परसेंट डेट इज़ फोर नाइन्टी रुपीज़ तो ये फोर्टी फाइव हंड्रेड के आसपास पास तुम्हें तो पड़ेगा ये कोड तो यू कैन तो गो फॉर दिस वन आन एल यू चैम्पियनशिप यह मैं हूँ मुझे पता है इसमें मेरा चेहरा लोग पहचान नहीं पाते हैं इस चीज़ को लेकर बट ये यहाँ पर इंग्लिश वाले बैच में मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो तुम डेफिनेटली इसमें भी आ सकते हो वही सेम चीजें यहाँ पर मैं तुम्हें सौ से ज़्यादा घंटे की प्रैक्टिस देने वाला रिवीजन देने वाला हूँ बट अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है तो ये उनके लिए ज्यादा बेस्ट होगा जो कि अगले साल आने वाले हैं कमिंग बैक टू द टॉपिक स्ट्रैटेजी अब एक चीज समझो स्ट्रैटेजी इज द किंग सिलेबस पढ़ लिया प्रैक्टिस कर ली मॉक कर लिए अपनी डाउट्स पता है क्वेश्चन सही कर रहे हो गलत कर रहे हो सब पता है प्रॉब्लम क्या है पेपर में क्या करना है ये नहीं पता है क्या चीज पेपर में क्या करना है वो नहीं पता है तो उसको जानने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है दैट इज वी आर लेफ्ट विद लाइक यू नो 150 क्वेश्चंस इन वन ट्वेंटी मिनट्स आई डों पैन ऐसा क्यों चल रहा है ओ, एक सेकंड हम्म एक बार चेक करके देखते हैं 150 क्वेश्चंस क्वेश्चन है हमारे पास कितने में 120 मिनट्स में इसको करना है तो अब 120 मिनट्स में हमारे पे सेक्शंस कितने हैं सबसे ज्यादा टाइम कौन सा से सेक्शन खाता है लीगल रीजनिंग इंग्लिश और तीसरा लॉजिकल जिसका लॉजिकल स्ट्रांग है उसका इंग्लिश भी स्ट्रांग है तो मैं हमेशा क्या कहता हूं बच्चों को सबसे पहले अपना कोर सब्जेक्ट को पकड़ो दैट इज लीगल रीजनिंग ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं और तुम्हारा एक बहुत अच्छा टेम्पो भी सेट हो जाता है क्योंकि इसमें कॉम्प्रीन स्किल्स हमारी यूज होती है कॉम्प्रिएशन स्किल्स जैसे देखो हमारा ना वार्म होता है जैसे अगर कभी कोई यहाँ पे एथलीट होगा या फिर कभी भी तुम लाइफ में भागे होगे या फिर जिम करते होते तुम्हें बताया जाता होगा कि पहले थोड़ा सा ना बॉडी को वॉर्म अप करना देना बहुत ज़रूरी होता है इससे खुल जाती है बॉडी तो इससे क्या होता है फिर तुम और बेटर परफॉर्म कर सकते हो और बेटर एनहेंस करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो तो सिमिलरली हमारे पास सबसे पहले हमें लीगल रीजनिंग लेना चाहिए क्योंकि इसके जो पैसेजेस कॉम्प्रीहड करने होते हैं इट्स इट्स वेरी इजी फॉर यू बिकॉज यू ये रिपीटेड भी होता और तुम्हें भी पता है इसमें लॉजिक हम लोग लगा लेते हैं बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो अबाउट इट मैं हमेशा तुम को ऑप्शन देता हूं अगर तुम करना चाहो या तो English, या फिर लॉजिकल गो फॉर लॉजिकल इफ इट्स इंग्लिश गो फॉर इंग्लिश अब इसके बाद हमारा कौन सा सेक्शन आ जाता है ये बहुत जरूरी है quants. Quants के बाद, अगर मैं बोलूं जब लास्ट में जितने मिनट बच जाए दस मिनट बच जाए पाँच मिनट बच जाए जितने बच्चे जितने भी मिनट बच्चे बच जाए यू हैव टू गो फॉर जीके वाई आई पुट जी के एट दी एंड मेरे को काफ़ी इसके चक्कर में क्रिटिसिज्म मिलता भी है बच्चे तो कहते हैं सर ये क्या कर रहे हो जीके तो पहले करना चाहिए सबसे स्ट्रॉगेस्ट होता है सबसे सारा नंबर आते हैं कॉन्फिडेंस आता है बेटा वो टेम्प्रेरी कॉन्फिडेंस होता है मैं ग्राफ में ना नीचे से ऊपर जाने में बिलीव करता हूँ ना कि ऊपर से नीचे जाने में ठीक है जी के एक ऐसी चीज़ है अगर तुम्हें आती है तो तुम्हें आती है और अब खुद नोटिस दो मिनट सोच के बैठ के करना दो मिनट सोच के देखो कि यार अगर जीके के सेक्शन में है ना अगर हमें क्वेश्चंस पते हैं तो हम पाँच मिनट में भी वो दस पंद्रह क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते क्योंकि सिलेक्शन है तो हमें पैसे रीड करने की जरूरत नहीं है इट्स डायरेक्ट क्वेश्चन देन यू हैव टू आंसर इट पैसे दिया होता है पढ़ने की जरूरत नहीं होती अगर तुम्हें पता है उस टॉपिक के बारे में तो है ना पता है तो पता है बट वेर एस जब हम लोग लीगल रीजनिंग के बाद इंग्लिश में जाते हैं तो ऑलरेडी हमारा वार्म अप होता है ना टाइम भी बचेगा स्पीड भी बचेगी अगर लीगल रीजनिंग में मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम बीस मिनट ले रहे हो तुम इंग्लिश में आते आते भैया अगर अगर मैं बोलूँ लीगल रीजनिंग बीस मिनट में कर रहे हो तो तुम इंग्लिश में आते आते तुम पच्चीस मिनट या चौबीस मिनट में इंग्लिश सेक्शन कर लोगे लॉजिकल रीज़निंग भी चौबीस मिनट में कर लोगे वी आर सेविंग सिक्स मिनट्स फ्रॉम द ईच सेक्शन है ना फिर कॉन्ट्स में तुम्हें पता है हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैंड नहीं करने होते हम दस करेंगे पंद्रह का होता है पर दस क्वेश्चन हम अटैप्ट करेंगे नेगेटिव नहीं आएंगे दस बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है कॉन्ट्स को तुम लोग पढ़ते नहीं हो पता नहीं किस किस ने तुम्हें ये सलाह दे दी थी स्टार्टिंग में कि कॉन्ट्स में नहीं करना चाहिए पंद्रह नंबर का तो आता छोड़ दो तुम पेपर के बहुत ही अच्छे खासे सेक्शन को पंद्रह नंबर को छोड़ देते हो यू आर जस्ट अटैम्प्टिंग वन थर्टी फाइव क्वेश्चन जिसमें वन थर्टी फाइव तो नहीं आते इतना सुपरलेटिव मत हो तो लाइफ को लेकर कि भाई सब चीज़ें आती होंगी तुम्हें देन दर्ड लाइ कैन ऑब्वियसली द जीके वुड बी द लास्ट वन कि अगर तुम्हारे पास पेपर में पाँच मिनट भी बच रहे हैं तो तुम जीके को दे सकते हो पाँच मिनट भी दस मिनट भी तो इससे क्या होगा ना थोड़ा सा प्रेशर ईजी रहेगा जीके पहले कर लोगे ईजी चीज़ में हम लोग ना कंफर्टेबल हो जाते हैं टाइम ज़्यादा लेंगे जब जी को अंडर प्रेशर करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइम बचेगा मेरे लिए तो ये स्ट्रैटेजी है मैं सर बता रहा हूँ देखो सिलेबस के लिए मैंने इससे पहले तुम्हें मॉक वाले में बता दिया है बट ऑल इंडिया रैंक अगर तुम्हें लेके आनी है मेरी मेरे पे ट्रस्ट करके ना अपने दो तीन अगले दस दिन ना मॉक देना तो इस स्ट्रैटेजी से करना पहले लीगल रीजनिंग इंग्लिश है लॉजिकल फिर रिप्लेस करके फिर उसका वो फिर कॉर्ड्स और फिर जी के एक बार मेरे से करके देखना क्योंकि मैंने टेस्ट किया था और जब मैंने टेस्ट किया मेरे पे ना मेरे को पेपर मेरा जल्दी खत्म हुआ है सच में मेरा पेपर जल्दी खत्म हुआ है क्योंकि हमारा वार्म अप होता है तुम अनइंडचुली नहीं समझोगे ये एज एन एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि हाँ यार जब ये दो हैवी चीज़ें ले रहे हो अरे ब्रेन तो थकना ही है ना एक सवाल बच्चा ये मार सकता है सर दोनों हैवी सेक्शन एक साथ कैसे करें भाई ब्रेन तो थकेगा ही थकेगा दो घंटे में तुम क्या प्रोसेस डिले कर रहे हो है ना तो इस चीज़ का थोड़ा सा लॉजिक रखो अगर इसी सेम कॉन्सेप्ट को अगर आगे बढ़ाओगे ईजी रहेगा और तुम्हारे पेपर भी तुमसे सॉल्व हो जाएंगे ठीक है तो चलो आई एंड सिर एंड आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जरूर कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपसे मुलाकात होती रहेगी प्लेटफॉर्म पर थैंक यू सो मच